अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जब आदमी का भरोसा टूटता है तो बहुत तकलीफ होती है। मालिक का हीरा नहीं टूटा है, मेरे ऊपर से विश्वास टूट गया है। पता नहीं मालिक पर क्या बीत रही होगी। मुझे तो चिंता है कि कहीं मेरी गलती की सजा मेरी संतु को ना भुगतना पड़े। अब भुगतना तो सारे गांव को पड़ेगा माधव काका। वो सैंपल समय पर नहीं गया तो ऑर्डर बंद। अब कुछ समझ में नहीं आता है, हम सब लोगों के घर का खर्च कैसे चलेगा। अब तक तो लोग सुखी थे क्योंकि मालिक ने हम लोगों को काम दे रखा था, पर अब लगता है कि धर्मपुर में अकाल की स्थिति हो जाएगी। अब क्या होगा? क्या सच में मालिक किसी को काम नहीं देंगे? सब लोग भूखे मर जाएंगे सच में। इतने लोगों की हाय लेकर न जाने कोई कैसे रह पाएगा। यहाँ पूरा गांव बेरोजगार हो जाएगा और वहां मेरी बहन को जलीकट्टी सुननी पड़ेगी। चंपाकली, तानी अब क्या होगा? वो हीरा टूट गया, पूरे गांव पर मुसीबत आ गई। पता नहीं मालिक अब क्या करेंगे। अरे क्या करेंगे क्या, तेरे मालिक बड़े खुश होंगे, अपनी गोदी में बिठाएंगे तुझे, सुभद्रा की कुर्सी पे बिठा के खाना खिलाएंगे, निवाला निवाला हैं? कपड़े देंगे, जेवर देंगे, बहुत खुश रखेंगे तुझे। तेरे बूढ़े ने तो बहुत बड़ा काम किया है ना, उसे तो बख्शीश भी वैसी ही मिलनी चाहिए। अरे मैं तो कहती हूँ हितेन, आना अंदर आ। ये अंदर नहीं आ सकता। जब तक ये अपना दंड भोग न ले। मैं यहाँ अपना दंड खत्म करवाने नहीं आया, बताने आया हूँ आपको कि इस बार भी किसी और को अपराधी समझने की भूल कर रहे हैं आप। माधव सोलंकी दोषी नहीं है। वो हीरा माधव सोलंकी से नहीं, मुझसे टूटा है। दोषी मैं हूं। हीरा चाहे किसी से भी टूटा हो, ये अपराध माधव सोलंकी ने किया है और दंड भी वही भुगतेगा। मालिक है आप धर्मपुर के, किसी और की गलती की सजा किसी और को देकर अन्याय कर रहे हैं आप। तू सिखाएगा मुझे कि न्याय क्या होता है और अन्याय क्या होता है। अगर वो हीरा तुझसे टूटा है तो अन्याय तो तूने किया है। अगर वो सैंपल सही समय पर नहीं पहुंचाने तो परिणाम पूरे धर्मपुर को भुगतना होगा तेरे अन्याय का। मुझ पर उंगली उठाता है। अरे कौन है तू? क्या किया है तूने गांव वालों के लिए? केवल कठिनाई में डाला है। ठीक कहा आपने, इन गांव वालों के लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ मुसीबत में लाकर खड़ा कर दिया। पर अब इन्हें इस मुसीबत से मैं ही बाहर निकालूंगा। 7 दिन के बाद चाहिए ना आपको वही है? इन 7 दिनों में मैं कोई ना कोई हल जरूर निकालूंगा। बातें तो सच्चे महियावंशी की तरह करता है। अबे जा, मैंने सच्चे महियावंशी की तरह काम करके बता। अगर 7 दिन में तूने कोई हल ढूंढ लिया तो सारूच है, और अगर वो सैंपल नहीं पहुंचाने तो मैं कारखाने को तालाबंदी से बचा नहीं पाऊंगा। तालाबंदी का मतलब समझता है तू? काम बंद, पगार बंद, रोटी बंद। हीरा नहीं तोड़ा तूने, धर्मपुर का भविष्य तोड़ा है। ये जो अपराध तूने किया है ना, का परिणाम अच्छा नहीं होगा। अपराध
कमाल है, कमाल है। उन गांव वालों को तो अपराध और गलती में अंतर पता है, लेकिन आप कभी समझ नहीं पाए आप में और एक बाप में क्या अंतर है, ये मैं समझ गया। अरे जवा दे, समझ गया क्या? समझा तू? समझा नहीं, समझेगा जब तू बाप बनेगा ना, तब समझेगा कि आज मेरे मन पर क्या बीत रही है। कितना दुखी हूं मैं ये जानकर कि मेरे बेटे की भूल की वजह से धर्मपुर विनाश के कगार पर आ खड़ा हुआ है। चल, खुशी हुई इस बात की कि तूने अपने भूल को स्वीकारा, अपने उत्तरदायित्व, अपने कर्तव्य का आभास है तुझे। अने रही बात आप और बाप के अंतर की, सांभड़, हर बाप यह चाहता है कि उसकी संतान जीवन में ऊंचा स्तर कमाए, पर अपने बाप के छांव में रहकर नहीं, दुनिया के धूप में चलकर। अबे जा, कुछ ऐसा करके दिखा कि धर्मपुर के मालिक को जिस पर खी जा रही है ना, उस पर गर्व आवे। 7 दिन है तेरे पास, तब तक कारखाना बंद रहेगा। 7 दिन के अंदर अपने भूल का सुधार नहीं कर पाया ने, ताला मैं भी नहीं खोल पाऊंगा। जो जा वे। मालिक, इसमें इतनी मैं का कोई दोष नहीं है। नाना जी की तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने नाना जी को ये सुझाव दिया कि इतनी मैं हीरा तराशने में उनकी मदद करे। बोल चाहे किसी की भी हो, तेरी, तेरे नाना की के हितेन की, पर उस भूल का परिणाम जो होगा ना, पूरे धर्मपुर को भोगना पड़ेगा। उसे जिससे भूल हुई है, अने उसे भी जिससे भूल नहीं हुई। अने अगर ऐसा हुआ ने, जिसके कारण ये हुआ है, वो इस घर में नहीं रह सकता। जी ने तू फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।